आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 3 जिलों के तूफानी दौरे पर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और बूंदी के तूफानी दौरे पर है। तो वही हेलीपैड की तस्वीरें जरा आप देखिए, निम्बाहेड़ा पहुंचे हैं सीएम गहलोत। ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का करेंगे अवलोकन, कई विकास कार्यों की भी देंगे सौगात। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, फर्स्ट इंडिया ये तस्वीरें आप तक पहुँचा रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, आपको तस्वीरों में नजर आए। तो वही अब वो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का अवलोकन करेंगे, कई विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। और ये तस्वीर भी जरा आप देखिए, मंत्री अशोक चांदना आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और निश्चित तौर पर ये काफिला जहां पर सभा होनी है वहां पर पहुंचेगा और वहां पर एक बड़ा आयोजन, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शिरकत कर रहे हैं और उनकी कोशिश और कवायद यही है कि जो खेल प्रतिभाएं हैं उन्हें तलाशा जाए, उन्हें तराशा जाए और साथ ही आने वाले वक्त में ऐसी प्रतिभाओं को आगे एक मंच दिया जाए जिससे कि ओलंपिक्स में भी ये बेहतर प्रदर्शन करें और खेलों को लेकर के एक अच्छी भावना सभी में पैदा हो। यही वजह कि खुद मुख्यमंत्री अलग अलग आयोजनों में शिरकत कर रहे हैं, ब्लॉक स्तरीय समारोह में वो शिरकत कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों तक वो पहुंच रहे हैं ताकि खिलाड़ियों की हौसला अफजाई वो कर सके, उनका उत्साहवर्धन वो कर सके। और फर्स्ट इंडिया ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके साथ साझा कराए, निम्बाहेड़ा से ये तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, अन्य जो अतिथि हैं वो भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर एक बड़ा आयोजन आज निम्बाहेड़ा में और कोशिश और कवायद यही कि जितने भी खिलाड़ी हैं उनका उत्साहवर्धन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर सके। तो ये दो तस्वीरें ज़रा आप देखिए, पहली तस्वीर है सभास्थल की जहां पर सभा होनी है जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ ही देर में पहुंचेंगे। तो वहीं दूसरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है हेलीपैड की जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हेलीकॉप्टर पहुंचा है और साथ ही यहां से वो अब सभा स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ ही देर में सभा स्थल पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार हम तस्वीरें देखते भी हैं कि जहां भी मुख्यमंत्री पहुंचते हैं लोगों का उत्साह अपने आप चरम पर होता है। सीएम गहलोत आज 3 जिलों के दौरे पर रहने वाले और उसी कड़ी में निम्बाहेड़ा से तस्वीरें जरा आप देखिए, मंच पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपको नजर आ रहे हैं, भव्य स्वागत उनका यहाँ पर किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और बूंदी के दौरे पर रहने वाले हैं। निम्बाहेड़ा पहुंचने पर सीएम अशोक गहलोत का जोरदार स्वागत। और श्रीमान पुरुषोत्तम लाल जी साहब जवर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष निम्बाहेड़ा से कि वे पधारे और हमारे मध्य पधारे हुए माननीय श्री गोविंद सिंह जी साहब डोटासरा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का स्वागत और अभिनंदन करें। अब इसी कार्यक्रम को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रवि शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे पूरे स्केड्यूल को लेकर के। बिल्कुल देखिए आयुषी, मुख्यमंत्री गहलोत जो है वो निम्बाहेड़ा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं जहां पर वो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जो खेल प्रतियोगिताएं चल रही हैं उनका अवलोकन करेंगे। और आज दिन में 3 प्रोग्राम है तीनों ही जगहों पर, यहाँ से भीलवाड़ा और उसके बाद में बूंदी के नैनवा में जो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता है उनके अवलोकन के कार्यक्रम है। इसके अलावा जनसभाएं भी हैं और यहाँ पर अवलोकन के अलावा जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और सीएम गहलोत जब यहाँ पहुंचे तो उनका शानदार स्वागत जो है वो किया गया। स्थानीय जो विधायक हैं और मंत्री उदयलाल आंजना ने साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री गहलोत के साथ में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, उदयलाल आंजना, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, खेल मंत्री अशोक चांदना सहित कई गणमान्य जो अतिथि हैं वो मंच पर मौजूद है। और देखिए सबसे बड़ी बात आयुषी ये कि जो इनिशिएट सीएम गहलोत ने किया है पूरी दुनिया, देश और दुनिया में इतना बड़ा खेल का आयोजन जिसमें कोई वर्ग विभेद नहीं है, कोई उम्र का विभेद नहीं है, तो इस तरह का जो आयोजन है जाहिर सी बात है एक बड़ा आयोजन, बड़ा एक इनिशिएटिव है बड़ी। और दूसरी बड़ी बात ये भी कि सीएम लगातार इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं अपने दौरों में कि ये जो आयोजन है ये आपसी सौहार्द और भाईचारा जो है वो बढ़ाएगा। हर कौम का व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति इन राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में शामिल हो रहा है। उम्र की कोई सीमा नहीं है, बच्चे बूढ़े और जवान तमाम जो कैटेगरीज हैं उनमें तकरीबन 30 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, 10 लाख महिलाएं जो हैं
वो इन खेलों में शामिल हो रही है। तो कुल मिलाकर ग्रामीण अंचल की जो प्रतिभाएं हैं उनको आगे लाने का मौका होगा, उनको एक बड़ा मंच मिलेगा, और दूसरी बड़ी बात यह कि आपसी सौहार्द बढ़ेगा, आपसी भाईचारा बढ़ेगा, जो कि बेहद जरूरी चीज है। जी बिल्कुल रवि, देखिए और यही बात का जिक्र मुख्यमंत्री लगातार करते भी हैं, क्योंकि जब एक साथ लोग खेलते हैं तो हम देखते हैं कि दादा पोते का फर्क खत्म हो जाता है, एक ही टीम में दादा पोते खेलते हुए नजर आते हैं, और यही वो भावना रही है जिसकी वजह से ग्रामीण स्तर पर खेलों का आयोजन किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, खो खो जैसे खेल जो लगभग कह सकते हैं विलुप्ति की कगार पर पहुंच गए थे, लोग भूल गए थे, नई पीढ़ी भूल गई थी कि इस तरीके का कोई खेल भी था, पर इन आयोजनों से एक बूस्टर डोज निश्चित तौर पर मिला है। बिल्कुल आयुषी, देखिए इसमें दो राय नहीं है कि जो खेल शामिल किए गए हैं इस ग्रामीण ओलंपिक में वो सभी खेल ट्रेडिशनल हैं, जिनमें खास तौर पर खो खो, कबड्डी और जो हॉकी की जो प्रतियोगिताएं हो रही हैं, तो इस ग्रामीण अंचल में कई ऐसी प्रतिभाएं हैं जिनको की मंच नहीं मिलता, वो अपने खेत खलियानों में जो है अपने खेल का प्रदर्शन जरूर करती हैं, लेकिन आप देखिएगा कि ये जब से आयोजन शुरू हुए हैं उसके बाद कई सारे ऐसे वीडियोस सामने आए जिनको बाकायदा खेल मंत्री ने ट्वीट किया और सबके सामने वो खेल प्रतिभाएं जो है वो आई कि किस तरीके से ग्रामीण अंचल का एक युवा बहुत अच्छी कबड्डी खेल रहा है, एक बच्चा अच्छी खो खो खेल रहा है, कोई अच्छी हॉकी खेल रहा है। तो ये जो चीजें थी, ये जो सीएम गहलोत की जो शुरुआत थी जिसको कि उन्होंने बिल्कुल रवि जिस तरीके से मुख्यमंत्री कहते भी आए लगातार जब भी वो इस तरीके की सभाओं को अभी संबोधित कर रहे हैं दिनों, वो यही कह रहे हैं कि आयोजन इसी तर्ज पर किया गया है ताकि जो ग्रामीण तबकों में होनहार प्रतिभाएं हैं उनको तराशा जाए, उनको तलाशा जाए, एक मंच उनको प्रदान किया जाए। आप बने रहिए हमारे साथ रवि, और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं फर्स्ट इंडिया, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। तस्वीरें जरा आप देखिए, मंच की तस्वीरें हैं, तो निसंदेह